हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज लेके आए कि ऐसे हेयर ऑयल की रेमेडी जो दादी और नानी के ज़माने का है। ये एक ऐसा हेयर ऑयल है जिसको आप लगाते हैं तो आपके बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम बिल्कुल ही दूर हो जाएंगी। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हमें क्या चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं सबसे पहले करी पत्ता। करी पत्ता नॉर्मली खाने में यूज़ होता है और हमारे बालों स्किन के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम करी पत्ते को यूज़ कराएँ। करी पत्ते में विटामिन बी, विटामिन सी, प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे स्कैल्प को नरिश करते हैं। और हम लेंगे यहाँ पे कलौंजी। कलौंजी हमारे बालों को नेचुरली ब्लैक करता है। इसमें एंटी फंगल गुड़ पाया जाता है जो डैंड्रफ को रोकता है, और साथ ही साथ ये बालों की रीग्रोथ करता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे मेथी दाना। मेथी दाना हमारे बालों के लिए अमृत के समान है। इसमें निकोटिनिक एसिड होता है जो बालों को नरिश करता है, साथ ही में लेसिथिन एसिड होता है जो बालों को मुलायम भी करता है, मजबूत भी करता है, झड़ने से रोकता है। साथ में ले रहे हैं आंवला, यहाँ पर ले रहे हैं एलोवेरा फ्रेश कटा हुआ, और प्याज। प्याज हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इन सारी चीज़ों को ऑयल में बॉईल करके हम अपना तेल बनाएंगे। एक एक स्टेप आपको बहुत ध्यान से देखना है ताकि आपका जो तेल है प्रॉपर बने। तो यहाँ पे तेल ले लिया है। तेल अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जितना आपको बनाना है। यहाँ पे हमने कलौंजी को डाल के हल्का सा चला दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम मेथी को ऐड करेंगे। मेथी को डालने के बाद भी हल्का सा चला लेंगे और यहाँ से सिर्फ आधा मिनट ही इसको चलाएँगे। उसके बाद हम आगे के इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे। तो थोड़ा सा जब ये हल्के से इस तरीके से भुन जाए, इसमें हम ऐड कर देंगे आंवला के कटे हुए टुकड़े। आंवला में विटामिन सी होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आंवला को नॉर्मली लोग खाते भी हैं जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। तो यहाँ पे आंवले को डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो एलोवेरा के कटे हुए फ्रेश टुकड़े थे। एलोवेरा हमारे बालों के लिए बहुत ही नरिश करता है, बालों को मुलायम करता है, बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है। इसको आप ऐसे भी नॉर्मली डे में लगा सकते हैं इसके जेल को निकाल के। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसको चला लेंगे और उसके बाद जब ये आधा मिनट हो जाएगा उसके बाद ही हम आगे अपना प्याज को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो इंग्रेडिएंट है वो सारे ही इसमें डल चुके हैं। इस ऑयल को अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार लगाते हैं तो ये बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पे हम प्याज को भी ऐड कर देंगे। प्याज की क्वांटिटी आपको बहुत ध्यान रखनी, 6 से 7 प्याज आपको लेने कि जितने ज़्यादा प्याज होंगे आपका तेल उतना ही ज़्यादा बेस्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमने प्याज को उसमें डाल के अच्छे से चला लिया है। 5 मिनट के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हमारे करी पत्ते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थोड़े हमने इंग्रेडिएंट डाले थे वो सारे ही हल्के हल्के पक गए हैं। तो यहाँ पर करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता लास्ट में ही डालना है क्योंकि बहुत ही जल्दी भुन जाते हैं। तो ये इसके बाद में डालेंगे तो ये इसके साथ ही हल्के हल्के फ्राई होते रहेंगे और जो भी इनके अंदर तत्व हैं वो अच्छे से तेल में आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और उसको मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। कम से कम आधे घंटे बाद ही आपका तेल ये रेडी हो पाए, यानी आपको सिर्फ मीडियम आंच पे इसको पकाना है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और तेल का कुछ इस तरीके से जो इंग्रेडिएंट है उनका कलर आ चुका है। इसका मतलब ये आधे से ज़्यादा पक चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा 80 से 90% पक गया है। तो यहाँ पर इसको हम इस तरीके से चलाते रहेंगे और जब ये बिल्कुल ही इसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं वो भुन जाएंगे उसके बाद हमारा तेल बिल्कुल रेडी हो जाएगा। उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैं दिखा दे रही हूँ कि आपका जो तेल है वो इस तरीके से बनके तैयार हो चुका है। इसका मतलब है ये बिल्कुल रेडी है। तो इसको हम इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि आपके तेल में स्मेल कितनी अच्छी आ रही है इन सारी चीज़ों की। तो यहाँ पर इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद ही किसी कंटेनर में, बॉक्स में या जिसमें आप रखना चाहें उसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया है। आप इस तरीके से किसी कपड़े या छलनी की हेल्प से इसको छान सकते। इस तेल को आप काफ़ी महीनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और हफ्ते में 2 से 3 या 4 बार इसको आप ज़रूर ट्राई करिए। रात में आप इसको लगाइए और सुबह आओ वॉश कर दीजिए किसी भी नेचुरल शैम्पू से। ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। 2 से 3 बार में ही आपको जो फ़ायदा है वो देखने को ज़रूर मिलेगा। बहुत ही पुराना नुस्खा है, इसको मैंने भी ट्राई किया है। बाल बहुत ज़्यादा रीग्रोथ करते हैं, झड़ना भी रोकते हैं और बहुत बहुत मुलायम भी हो जाते हैं। इसको अगर आप ट्राई करेंगे तो आपके बाल लंबे भी हो जाएंगे और जितनी भी प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की है, हेयर फॉल की है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, उन सारी चीज़ों में बहुत फ़ायदा करने वाला। तेल को आप जरूर ट्राई करिए और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, जिनके बाल नहीं बढ़ रहे हैं और बहुत बाल टूट रहे हैं। जेंट्स और लेडीज़ और बच्चे भी इसको जरूर यूज कर सकते हैं। ये सबके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है।
वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिए, चैनल पे नया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।